आप सभी को मेरा अभिवादन। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत जो आपके किताब में कविताएं संकलित हैं उसमें से चौथा पाठ हम पढ़ाएंगे। इस पाठ के रचनाकार बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल का जीवन परिचय को देखते हैं। रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी के लगभग ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में हुआ था। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं। इनका बचपन बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आकर रहने लगे। इसमें इन्होंने एक कविता दिया है, दो लाइन का है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। यानी इन्होंने अपने जन्म के बारे में और कहाँ रहे आकर के इसके बारे में लिखा है। जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के आप आश्रित कवि थे। जयपुर में रह करके इन्होंने एक मात्र ग्रंथ सतसई की रचना की जिसमें 719 दोहे हैं। राजा जयसिंह बिहारी का बड़ा सम्मान करते थे। वे इनको प्रत्येक दोहे पर एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार के रूप में देते थे। और ऐसा माना जाता है कि बिहारी लाल ने ऐसा दोहा लिख करके भेजा कि जय सिंह पुनः कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो गए बिहार। हैं वो बीच में राजकाज का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिए थे, तो उस पर उन्होंने एक दोहा लिख करके भेजा जिससे पुनः वह अपने राजकाज में वापस आ गए। बिहारी लाल की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हुई। बिहारी लाल ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना को करते समय इनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। ये रीत काल के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफलता अभिव्यंजना की है। किसी दोहे में भी अभीष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा का समुचित पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि बिहारी लाल ने अपने दोहे को इतना सारगर्भित किया है कि एक एक दोहे के कई कई अर्थ निकलते हैं। अब भाषा और शैली देखते हैं। बिहारी लाल ने साहित्यिक ब्रजभाषा का और मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में शब्द योजना का तथा वाक्य रचना बड़ी अव्यवस्थित है। कहीं कहीं उस समय के प्रचलित अरबी फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। केवल एक छोटे से ग्रंथ की रचना करके बिहारी लाल साहित्य जगत में अमर हो गए। इनकी सतसई बड़ी लोकप्रिय हुई। इनकी अनेक टीकाएं लिखी गई। कई कवियों ने अनेक दोहों पर आधारित अन्य छंदों की रचना की। निसंदेह बिहारी ने गागर में सागर भर दिया। इनके दोहे सीधे हृदय पर प्रहार करते थे और इनके दोहों के विषय में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है। इनके दोहे के बारे में क्या लिखा गया है देखते हैं। सतसैया के दोहरे ज्यों नावक एक तीर, देखन में छोटा लगे घाव करत गंभीर। ऐसा इनकी रचनाओं को देखने के बाद पता चलता है कि यह कम शब्दों में अपार भावना व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। तो इस प्रकार से इनका जीवन परिचय समाप्त हुआ। अब हम इनके द्वारा लिखे गए दोहों को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। बिहारी लाल ने जो दोहे लिखे हैं उसमें से आपकी किताब में जो संकलित दोहे हैं उसमें दो प्रकार के दोहे, एक भक्ति से संबंधित है और दूसरा नीति से संबंधित है। तो भक्ति से संबंधित दोहों को हम पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। पहला दिया है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूत हो। बिहारी लाल भगवान कृष्ण की प्रेयसी राधा की वंदना करते हुए कहते हैं कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वे चतुर राधिका जी, जिनके शरीर की झलक पड़ने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, हरित वर्ण हो जाते हैं, अर्थात हरे का अर्थ प्रसन्न होता है।
यानी इनकी छाई पड़ने से जिसके पास आकर के भगवान कृष्णा प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधिका मेरी सांसारिक भाव बाधाओं को दूर करें। अब इसको दूसरे अर्थ के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि जिनके पीत वर्ण शरीर की आभा पर छाई पड़ने से नीले वर्ण भगवान श्री कृष्ण हरे रंग की आभा शरीर हो जाते हैं, वह चतुर राधिका जी मेरी सांसारिक बाधाओं को हरण करें। तो इन दोनों दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। दूसरा है कि मोर मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नदनंद मानु शशि शेखर की अकस की शेखर सत चंद। इस दोहे की बारे में उन्होंने कहा है भगवान कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कि बिहारी कवि कहते हैं भगवान कृष्ण के सिर पर मयूर पंखों से बना मुकुट शोभा दे रहा है, उन पंखों के बीच अंकित सुनहरी चंद्राकार चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कृष्ण के रूप में कामदेव ने शंकर से प्रतिद्वंदितावश यानी भगवान शंकर से प्रतिद्वंदिता करने के लिए सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर धारण कर लिए हो। शंकर जी ने कामदेव को जलाया था, अतः वह उनसे देश रखता है, इसलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते हैं वहाँ कामदेव श्री कृष्ण के रूप में सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के शोभा का वर्णन करते हुए कितना सुंदर भाव दिया है कि चूंकि कामदेव भगवान शंकर से ईर्ष्या करता है, उनसे जलन है, उनसे सत्यता करता है क्योंकि उनको जलाया था, तो कामदेव मानो भगवान कृष्ण के रूप को कामदेव इतना सुंदर बनाया है जैसे भगवान शंकर के ललाट पर एक चंद्रमा है, तो बहुत ज्यादा सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिया यानी उससे भी सुंदर बनने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कामदेव सुंदर कामदेव के रूप में भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं। आगे लिख रहे हैं सोहत ओढ़े पीठ पट सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण सांवले सलोने सुंदर शरीर पर पीतांबर धारण कर किए हुए हैं, इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन धूप पड़ रही हो, यानी नीलमणि पर्वत पर सुबह सुबह की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो जो आभा उसमें से निकलती है ऐसा सौंदर्य भगवान कृष्ण के पीले पीले वस्त्रों की का वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण के सुंदरता का वर्णन करते हुए बिहारी लाल ने कहा। अगले तो हम देखते हैं अधर धरत हर के परत ओठ डीठ पट ज्योत हरित बासु की बांसुरी इंद्र धनुत रंग होत। भगवान कृष्ण जब बांसुरी अपने होठों पर रख करके बजाते हैं तो उसकी आभा उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अधर धरत हर के परत कि भगवान कृष्ण जब अपने ओठों पर हरे बांस की बांसुरी जब रखते हैं तो उसकी शोभा कैसे ओठ डीठ पट ज्योत यानी ओठ और ये थोड़ी और उनका जो पट यानी वस्त्र जो पहने हुए सारा मिल करके कितना सुंदर लग रहा है मानो हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुत रंग। वो हरे बांस की बांसुरी जो है बीच में हरी है, पीला वस्त्र है, ओठ लाल है, तो इस तरह से इंद्र धनुष जो विभिन्न सातों रंगों का लाल नीला और हरा का मेल करके बनती है मानो इंद्र धनुष के समान लग रहा हो। अगला है या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। इस दोहे के माध्यम से भगवान कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त चित्त की गति जानी नहीं जा सकती, यानी जो भी भक्त भगवान कृष्ण के भक्ति में लीन है उसके मन की गति को नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वह कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होता है यानी
उनसे लगा लग जाता है, एकदम मतवाला हो जाता है, अथवा उसके सांवले के रंग में जैसे जैसे डूब जाता है वैसे वैसे निष्कल उज्ज्वल हो जाता है, यानी भगवान कृष्ण के भक्ति में जिस तरह से उनके सांवले रंग में वो डूब गया, वह निश्चित रूप से निष्कलंक, यानी किसी प्रकार का उसके अंदर दोष नहीं रह जाता है, वह पूरा उज्ज्वल हो जाता है। अब है तौ लघु यामन सदन में हरि आवे के ही बाट, विकट जटे लौ लघु निपट खुटेन कपट कपाट। कह रहे हैं जब तक इस मन रूपी भवन के प्रवेश द्वार, कवि बिहारी कह रहे हैं कि इस मन के प्रवेश द्वार पर जब तक दृढ़ता पूर्वक बंद किए गए कपाट रूपी किवाड़, यानी मन के कपाट रूपी किवाड़ अच्छी तरह से नहीं खुलेंगे तो भगवान किसी भी रास्ते से प्रवेश नहीं करेंगे, अर्थात जब तक मन में कपट दूर नहीं होगा तब तक इस चित्त में हमारे हृदय में भगवान का वास नहीं हो सकता है। अगला है जगतु जनायो जेहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाए। अब देखिए भगवान के बारे में कहते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार परमात्मा सारे संसार को पैदा किया, वह परमात्मा संसार द्वारा ठीक उसी प्रकार जाना नहीं गया जिस प्रकार आँख से सब कुछ देखा जाता है किंतु आँख नहीं देखी जा सकती है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने पूरे संसार को बनाया, वह सबको देख रहा है, किसे परेशानी है, कौन सुख है में है, कौन दुख में है, किसका क्या करना चाहिए, पूरे जगत को नियंत्रित करता है, देखता है, सबका पालनहार है, लेकिन हम उसको उसी तरह से नहीं देख पाते हैं जिस तरह से हमारे शरीर में आँख बनी हुई है, पूरी दुनिया देख लेती है लेकिन अपने आँख से अपनी आँख को हम नहीं देख पाते। अगला है जप माला छाप तिलक सरेन एको का मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रा। अब यह आडंबर के बारे में उन्होंने इस पर कहा है कि इंसान जप करने, माला फेरने, चंदन तिलक लगाने आदि आडंबर पूर्ण क्रियाओं से कोई काम पूरा नहीं होता, इंसान का कोई भी काम इससे पूरा होने वाला नहीं है, इन बाह्य आचरणों से सच्ची भक्ति नहीं मिलती है। जिनका मन ईश्वर की भक्ति करने से कतराता है, भक्ति करने में कच्चा है, वह व्यर्थ ही इधर उधर की क्रियाओं में मारा मारा फिरता है, ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से प्रसन्न होते हैं। यानी काचे काचे जो शब्द दिया है कि मन कच्चा है, सच्चा नहीं है, लेकिन ये आडंबर करते हैं, चंदन लगाते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, भक्ति करने का स्वांग रचाते हैं, लेकिन भगवान क्या है, केवल सच्चे रूप से प्रेम का भूखा है। तो जब तक आप प्रेम से उसको उसका वंदना नहीं करेंगे, उसकी प्रार्थना नहीं करेंगे, उसमें लीन नहीं होंगे, तब तक वो इस कच्चे कपटी वेश के रूप में आपके वंदना करने से, आपके भजन करने से वो आपको मिलने वाले नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि नीति के कुछ दोहे हैं दिया है, ये नीति क्या होती है इंसान के लिए, कि नीति और नियत क्या होना चाहिए, उसी से संबंधित दोहे हैं कि दुसह दुराज प्रजान कहो क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अंधेरो जग करत मिल मावस रवि चंद। इस नीति के दोहे के माध्यम से बिहारी लाल कहना चाह रहे हैं कि दुसह द्विज राज्य में, यानी बुरे राजा के राज्य में प्रजा के दुखों और संघर्षों की वृद्धि क्यों न हो, अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक ही राज पर अधिकार करके सारे संसार में अधिक अंधेरा कर देते हैं। उन्होंने बताया है, उदाहरण देते हुए कहा है कि जिस राज्य का राजा ही दूसरा हो, यानी बुरे चरित्र का हो, बुरे सोच का हो, वह तो पूरा राज्य ही पूरे राज्य में अंधेरा छा जाता है। जैसे अमावस्या के दिन ऐसा स्थिति बनती है ग्रहों की कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ऐसी स्थिति में रहते हैं कि चंद्रमा चमकने नहीं पाता है और पूरा संसार अंधेरे में डूब जाता है।
अगला है, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जपू दान। इस दोहे के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि यह कलयुग है। क्योंकि यदि वह बुराई छोड़ भी दे तब भी लोग उसे डसते हैं, यह संसार का नियम है। अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कह करके छोड़ देते हैं, किंतु शनि राहु केतु मंगल आदि ग्रहों को खोटा समझ करके उनके खोटेपन के कारण उनकी पूजा करते हैं। देखिए कितना बढ़िया है, आज भी वर्तमान समय में भी इस दोहा का कितना, यह दोहा कितना प्रासंगिक है कि जिस तरह से आज के जमाने में बुरे लोगों का लोग बात मानते हैं, बुरे लोगों की पूजा करते हैं, बुरे लोगों के शरण में जाते हैं, क्योंकि उससे डरते हैं। ठीक वही दिया है, जिस तरह से राहु के दुनिया भर के जो ग्रह बुरे हैं, अच्छे अच्छे ग्रहों के बारे में कभी कोई नहीं पूजा करता, उनके बारे में नहीं सोचता, लेकिन बुरे ग्रहों का ज्योतिषाचार्य लोग बताते हैं यह ग्रह आपके ऊपर कष्ट देगा, तो उसका पूजा करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से इसी बात उन्होंने कहा है कि अच्छे लोगों की इस कलयुग में कोई ज्यादा महत्व नहीं है जितना बुरे लोगों की है। इसको भाव को दर्शाते हुए उन्होंने कहा है, जो आदमी बुरा है, जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, इस संसार में उसी की प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि वह बुराई छोड़ भी दे तब भी लोग उसे डसते हैं, यह संसार का नियम है। अच्छे ग्रहों को लोग अच्छा कह करके छोड़ देते हैं, किंतु शनि राहु केतु मंगल आदि खोटे ग्रहों को उनके खोटेपन के कारण उनकी पूजा। अगला दे रहे हैं कि नरकी और नल नीर की गति एक एक कर दो जोई, जेतो नीचा होई चले तेतो ऊंचा। इसमें देखिए कितना तुलना किया उन्होंने नर के और नल नीर, इंसान और ये जो हैंडपाइप आप लोग कहते हैं नल, इसका जो पानी निकल के नीचे गिरता है, इसकी तुलना किया है कि नलकी और नलनीर की गति एक एक कर दो। नर अर्थात इंसान और नल से निकलने वाला पानी, इन दोनों की एक ही गति है, एक ही स्थिति है। जिस प्रकार से ज्योतो नीचा हो चले तो ऊंचा, जिस प्रकार से नल का पानी जितना ही नीचे गिरता है उछाल उसका उतना ही ऊपर आता है, ठीक उसी तरह से मानव भी जितना झुक करके विनम्र बन करके अपना जीवन जीता है, एक न एक दिन वह सिरमौर बन जाता है, उतना ही ऊंचा बनता है। बढ़त बढ़त संपत सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सु न फिर घटे बर समूल को मिलाए। अब देखिए नीति में क्या कर रहे हैं, मन के बारे में, अपने चरित्र के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, इंसान को कैसा रहना चाहिए। कह रहे हैं कि संपत रूपी जल के बढ़ते रहने से मन रूपी कमल बढ़ जाता है, किंतु संपत रूपी जल का घटना प्रारंभ जब होता है तब मन रूपी कमल नीचे नहीं जाता, बल्कि जड़ सहित सूख जाता है। अर्थात धन की कमी होने पर बढ़ा हुआ मन हीन नहीं होता बल्कि नष्ट हो जाता है। देखिए कमल का जल से और इंसान के मन से किस तरह तुलना किया गया, जिस तरह से जल बढ़ता जाता है तो कमल का नाल बढ़ता जाता है, ऊपर कमल खिलता रहता है, लेकिन जल जैसे ही घटता है तो कमल का नाल टूट जाता है, समूल नष्ट हो जाता है कमल का फूल। ठीक उसी तरह से नाल रूपी वैभव इस माया नगरी में इंसान का जब धन बढ़ता है तो उसका मन बढ़ता जाता है, धन जब नष्ट होता है तो मन में तो विचार इंसान के वही है, तो वो धीरे धीरे मन कम नहीं होगा, वो अचानक पूरी तरह से इंसान नष्ट हो जाता है कमल के।